पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलेगी। परदेशियों की हवाई घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बदामी बाग और बंद रोड के बस स्टैंड पर मुसाफिर मौजूद। बसों में 50% सवारियां बिठा कर ले जाने का हो। कोरोना के पेशे नज़र ट्रेन मुसाफिरों में कमी। ट्रेनें 30 मिनट से 1 घंटा तक ताखीर का शिकार होने लगी। ग्रीन लाइन शाह हुसैन तेजगाम अलाम इकबाल एक्सप्रेस की आमद में ताखीर। रेलवे ने ईद पर 35 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। महदूद रहो, महफूज रहो। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज। तमाम मार्केट्स कारोबार बंद। मशरूबात के डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री की दुकानें खुली रहेंगी। अकबरी मंडी, ट्वेंटर मार्केट में भी कारोबार होगा। शहर की चारों सब्जी मंडियों में भी कारोबार की इजाज़त। परिंदों और जानवरों की खुराक मुहैया करने वाली दुकानें भी खुलेंगी। तालीमी इदारों की बंदिश में भी 1 हफ्ते की तौसी कर दी गई। अब मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। इससे कबल तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से मुतल्लिक जायजा इजलास 18 मई को होगा। शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। जिले इंतजामिया का SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में 24 दुकानों और स्टोर्स को सील कर दिया। एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर 266 मजीद मुकदमात का भी इंदराज कर दिया गया। ब्रायलर की कीमतें आसमान को छू गईं। मुर्गी गोश्त 7 रुपये फी किलो मजीद महंगा। चिकन 407 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता 8 दिनों में ब्रायलर 59 रुपये फी किलो महंगा हो चुका। पोल्ट्री एसोसिएशन ने ईद तक मजीद कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया। सब्ज मसाला जात की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए खरीदार कीमतें सुनकर परेशान। आलू 50, अदरक 340, लीमू 320, भिंडी 120 रुपये फी किलो फरोख। सब्जी मंडी में कोरोना SOPs की बेखिलाफ वर्जी। एहतियाती तदाबीर पर अमल इंतहाई कम। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज़ भी वैक्सीन लगवाने एक्सपो सेंटर पहुंच गई। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की बगैर रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन जारी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को 2 शिफ्टों में वैक्सीन लगाई जा रही है। रोज़ाना 80,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का प्लान है। शहबाज शरीफ इल्जामात का सामना करने के बजाय बिरुने मुल्क जाना चाहते हैं। कनीज़े FIA के दफ्तर पर हमला आवर हुई। मखसूस टोला गालम गलोच ब्रिगेड बनकर हुकूमत पर चढ़ दौड़ा। डॉक्टर फिरदौसा शेखावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साजी नौजवानों का जुनून ठहरा, मगर ताकतवर होने के लिए बेहतरीन खुराक भी बेहद ज़रूरी। रोज़े की हालत में बॉडी बिल्डर्स को वज़न उठाने में मुश्किलात। ज़ायद वज़न उठाने से रीढ़ की हड्डी का मसला सबसे आम। मुख्तलिफ हिस्सों में खिंचाव, टिशू फटने समेत कमजोरी का भी बायस। तिबी माहरीन ने इफ्तार से कबल बॉडी बिल्डिंग को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया।
ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मुकाम तुमसे है। कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो सिर्फ माँ है। माँ जैसी अजीम हस्ती को खराज तहसीन से का हाल